Good morning, student. We are going to start a new lesson. Class 3, EVS, lesson number 7. And the name of the lesson is People and Their Workplace. People and Their Workplace. मतलब लोग और उनसे जुड़ी हुई कार्य की जगह, है ना, काम करने की जगह. हम आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव, आज आपके आसपास रहने वाले लोग, सभी लोग किसी न किसी कार्य से जुड़े होते हैं. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य काम करते हैं, है ना. बिना काम के हमारी लाइफ इजी नहीं है. वी आर सराउंडेड बाय पीपल हु मेक अवर लाइफ इजी टू लीव. हमारे आसपास जहां हम रहते हैं वहां लोगों के द्वारा जो काम किए जाते हैं उनसे हमारी लाइफ क्या होती है, इजी होती है. दे गिव्स अस अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड कंफर्ट, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में हमें रहने के लिए कंफर्ट होता है, इजी होता है ना. हमारी लाइफ का कुछ सेंस होता है, तभी हम लाइफ जी पाते हैं. दे प्रोवाइड सर्विस इन मार्केट प्लेस, ऐसे लोग हमें कहाँ कहाँ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमारी कहाँ कहाँ मदद करते हैं. जैसे आप मार्केट गए तो मार्केट में शॉप में अगर शॉपकीपर नहीं होगा तो आप कुछ खरीद पाएंगे नहीं. अब वो हमारे लिए मार्केट में क्या कर रहे हैं, एक तो शॉप है और दूसरा वो क्या कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं. सिमिलरली हॉस्पिटल में भी लोग हमारी मदद करते हैं. स्कूल, आप स्कूल आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो भी क्या हुई है, वर्क प्लेस. पोस्ट ऑफिस है ना, पोस्ट ऑफिस में लेटर्स आते जाते हैं और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमारी लाइफ को इजी और कंफर्ट करते हैं. पुलिस स्टेशन इज ऑल्सो अ वर्क प्लेस. वहां अगर काम नहीं होगा तो क्या होगा, पुलिस स्टेशन में कुछ भी नहीं होगा, हमें कंफर्ट नहीं मिल पाएगा, है ना, हमारी लाइफ इजी नहीं होगी, क्राइम बढ़ेगा. पार्क, आप पार्क में जाते हैं, अगर पार्क में साफ सफाई नहीं होगी, मेंटेनेंस नहीं होगा, तो आपको पार्क में अच्छा लगेगा नहीं. तो पार्क में भी एक आपको कंफर्ट देने के लिए पार्क में भी लोग काम करते हैं. सिमिलरली बैंक है ना, बैंक में भी लोग आपके लिए क्या करते हैं, काम करते हैं. दे प्रोवाइड कंफर्ट एंड इजी इन अवर लाइफ. दे आर फॉर नेबरहुड सर्विसेज, यानी हमारे आसपास से जुड़ी हुई जितने भी कार्य प्लेसेस जगह है वहां से हमें क्या मिलता है, लाइफ में इजी और कंफर्टनेस मिलता है. तो ऐसी जगहों पर यानी पीपल एंड देयर वर्क प्लेस, लोग और उनसे जुड़ी हुई कार्य की जगह. फर्स्ट इज मार्केट प्लेस. इन मार्केट डिफरेंट पर्सन गिव्स अस डिफरेंट सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, ग्रोसर गिव्स अस पल्सेस, शुगर एंड मैनी मोर थिंग्स. यानी आप जब राशन की दुकान पे जाते हैं तो आप क्या खरीद के लाते हैं, ऑयल, दाल, चावल, ब्रेड, बटर और जितनी भी राशन की चीजें हैं आप कहाँ से लाते हैं, ग्रोसर से. ग्रीन ग्रोसर गिव्स अस वेजिटेबल एंड फ्रूट्स. सब्जी वाला आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, आपको सब्जी और फल देता है. मैकेनिक आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर आपके घर में कुछ टूट फूट होती है, कोई चीज बिगड़ती है, सुधरती है, तो मैकेनिक अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है. प्लम्बर इज ऑल्सो नेबरहुड सर्विस. जब आपके घर में वॉशरूम में कुछ टूट फूट होती है, कुछ बिगड़ना रहता है, सुधारना रहता है, तो कौन करता है आके, प्लम्बर. कारपेंटर है ना, लकड़ी से जुड़ी चीजें, जैसे कोई फर्नीचर का काम करना है, फर्नीचर बनवाना है, तो कौन बनाता है, कारपेंटर. गॉबलर, जब आपके जूते चप्पल टूट जाते हैं तो आप किससे सिलवाने जाते हैं, कॉबलर से. टेलर, आपको जब कपड़े सिलवाने हैं तो आप किसके पास जाते हैं, दर्जी के पास, टेलर के पास. बार्बर आप जब आपको बाल कटवाने, हेयर कट करवाना है तो किसके पास जाएंगे आप, बार्बर के पास. कुक, जब आपको होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाना हो तो कौन हेल्प करता है,
जब तक कुक आपको खाना नहीं बना के देगा तब तक आप रेस्टोरेंट होटल में खाना नहीं खा पाएंगे। सिमिलरली जब तक वेटर आपको खाना सर्व नहीं करेगा तब तक आप खाना नहीं खा पाएंगे। सो दे ऑल आर मार्केट प्लेस सर्विस मैन। सिमिलरली वी विजिट टू हॉस्पिटल व्हेन वी फॉल इल और फॉर अवर रेगुलर चेकअप इन द हॉस्पिटल वी आर हेल्प बाय डॉक्टर्स नर्स और अदर हॉस्पिटल स्टाफ। जब आप बीमार हो है ना, आपको कोई दिक्कत हो तब हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर और नर्स या फिर और अदर हॉस्पिटल स्टाफ के पास, ताकि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके। सो दे आर ऑल्सो अ वर्क प्लेसेस। वी स्टडी इन स्कूल। हियर टीचर टीच अस एंड प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। द स्कूल इज मेंटेन्ड बाय केयर टेकर। आप जब स्कूल में होते हैं तो स्कूल भी एक वर्क प्लेस है जहाँ टीचर आपको पढ़ाती है, प्रिंसिपल मैम ऑफिस में होते हैं और अदर जो पर्सन्स होते हैं वो स्कूल की देखरेख करते हैं। अ पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस वेयर लेटर आर रिसीव एंड देन सेंट टू देयर डेस्टिनेशन। पोस्ट ऑफिस एक ऐसी जगह है जहाँ लेटर्स को कलेक्ट किया जाता है, रिसीव किया जाता है और फिर उसे अपनी डेस्टिनेशन पे यानी जगह पर जो एड्रेस है वहाँ पहुँचाया जाता है। पोस्ट ऑफिस में पहले लेटर को कलेक्ट किया जाता है, फिर सॉर्ट आउट किया जाता है और फिर जिनके लेटर्स हैं उनके घर पर पहुँचाया जाता है। और ये सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? पोस्टमैन, है ना। पोस्ट ऑफिस में जब तक पोस्टमैन नहीं होगा तब तक आप लेटर रिसीव नहीं कर पाए। पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन इज अ प्लेस वेयर वी कैन कंप्लेन रिगार्डिंग एनी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अगर आपको कोई कंप्लेन करने जानी है तो आप कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन, है ना। अगर पुलिस स्टेशन में पुलिसमैन नहीं होगा तो आप किसको कंप्लेन करेंगे? सो पुलिस स्टेशन इज ऑल्सो अ वर्क प्लेस वेयर पुलिसमैन हेल्प अस एंड प्रोवाइड सेफ्टी। पुलिसमैन हेल्प इन कैचिंग थीव्स एंड थग्स। दे कीप अस सेफ एंड वी शुड हैव द पुलिस इन कैरिंग आउट देयर ड्यूटी। पुलिसमैन क्या करते हैं? चोरों को पकड़ते हैं और हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और पुलिस स्टेशन क्या हुए? हमारे आसपास के वर्क प्लेसेस में से पुलिस स्टेशन है। पार्क आर द ग्रीन एरिया फुल ऑफ प्लांट्स इन अ लोकेलिटी। अ गार्डनर वर्क हार्ड टू मेक पार्क ब्यूटीफुल बाय प्लांटिंग प्लांट एंड फ्लावर्स। Children can go and play there while elder can take a walk in the park to maintain good health. जब तक gardener garden में नहीं होगा तब तक बच्चे park में खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि gardener क्या करता है? Park की देखरेख करता है, वहाँ सुंदर सुंदर पौधे लगाता है, उनमें से सुंदर सुंदर फूल आते हैं, तभी आपको वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा लगता है। और लोग क्या करते हैं? वहाँ पर वॉक करने जाते हैं। अ बैंक इज अ प्लेस वेयर यू कैन कीप योर मनी सेफ। अ बैंकर ओपन योर अकाउंट इन द बैंक एंड मेंटेनेंस इट। बैंक आपको क्या सर्विस प्रोवाइड करता है? आपके पैसों को, आपके मनी को सेफ रखता है और बैंकर्स आपका अकाउंट खोल के रखता है, उसे मेंटेन करता है। यू कैन विदड्रॉ योर मनी बाय राइटिंग अ चेक और बाय यूजिंग एटीएम कार्ड एनी टाइम। आप आपके पैसे वहां से चेक के थ्रू या एटीएम कार्ड के थ्रू कभी भी निकाल सकते हैं।
fire station, airport, bus stop, railway station are the place where we leave easily because they gives us comfort and safety. So we should always maintain our neighborhood services. यानी हमें हमारे आसपास की जो सर्विसेज है, वर्कप्लेस है, उनका ठीक से ध्यान रखना चाहिए और उनसे सर्विस लेना चाहिए. We should maintain law and order. हमें क्या करना चाहिए, हमेशा रूल्स एंड लॉ रेगुलेशंस में रहना चाहिए, है ना. सरकार के बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए. We should follow rule. We should keep market, park, hospital and other public spaces clean. हमें बाजार में, पार्क में, हॉस्पिटल में और पब्लिक प्लेसेस को क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए. We should be soft spoken and well behaved with the people who help us. जो लोग हमारी मदद करते हैं बैंक में, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में और मार्केट प्लेस में, हमें उनसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए और अच्छी भाषा का उपयोग करना चाहिए क्योंकि वो लोग हमारी मदद करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दैट ऑल अबाउट योर लेसन नंबर 7, पीपल एंड देयर वर्क प्लेस, लोग और लोगों से जुड़ी हुई कार्य की जगह.